दोस्त सीजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। तो हम आप लोग को मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में तीसरा चैप्टर का थ्योरी बता रहे थे। तो कल हम लोग फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताए थे। तो चलिए कल की बात को याद किया जाए। पहले तो याद करें फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो होता है, फैक्टोरियल वन का मान वन होता है। बोर्ड पर लिखते मेरे भाई याद होना चाहिए, फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो होता है, फैक्टोरियल वन का मान वन होता है, फैक्टोरियल टू का मान टू होता है, फैक्टोरियल थ्री का मान सिक्स होता है, फैक्टोरियल फोर का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 125 होता है, सॉरी 120 होता है। याद हो गया बाबू, इतना ही याद कर लेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान बोलो 0, फैक्टोरियल 1 का मान बोलो 1, फैक्टोरियल 2 का मान बोलो 2, फैक्टोरियल 3 का मान बोलो 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120। याद हुआ, 0 किसका मान है, फैक्टोरियल 1 का मान है, 120 किसका मान है, फैक्टोरियल 5 का मान है, 24 किसका मान है, फैक्टोरियल 4 का मान है, 6 किसका मान है, फैक्टोरियल 3 का मान है, 2 किसका मान है, फैक्टोरियल 2 का मान है। ये तो इतना हुआ। आइए सी कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है संचय। संचय का अर्थ होता है चुनाव करना। चुनाव करना मतलब संचय, जिसका अंग्रेजी होता कॉम्बिनेशन, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी में फार्मूला के क्रम में, अगर प्रोबेबिलिटी में फार्मूला के क्रम में कहीं पर सी आता है तो सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। आइए, तो अगर हम बोले कि 20 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका, 20 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका, तो 20C4 होगा। अगर कोई बोल दे कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका, तो NCR होगा। अगर कोई बोल दे कि n वस्तुओं में से एक भी वस्तु हाँ एक वस्तुओं में से एक भी वस्तु चुनाव ना करने का तरीका, तो एक भी ना का मतलब होता जीरो। तो बताओ मेरे भाई, एक वस्तुओं में से एक भी नहीं चुनाव करने का तरीका, तो नहीं का मतलब हो गया जीरो। अगर कोई बोल दे 10 वस्तुओं में से एक भी वस्तु चुनाव ना करने का तरीका, तो 10C0 होगा। ये था कल की क्लास का सारांश। अब आइए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्त। आइए देखो छोटू, एक बार कंसेप्ट देखा जाए। कंसेप्ट चलिए, 10 को 1 के घटते हुए क्रम में लिखना। 10 को 1 के घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे 10 में 1 घटाएंगे तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8 में 1 घटाएंगे तो इस तरह से, माने 10 को 1 के घटते हुए क्रम में लिखना। अगर 2 के घटते हुए क्रम में लिखना होगा तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6 में 2 घटाएंगे, लेकिन यहां पर हमको 1 के घटते हुए क्रम में लिखना है। आओ आगे देखिए बाबू, अगर 15 है तो 15 को 1 के घटते हुए क्रम में, तो पहले 15 लिखो, 15 में 1 घटाए तो 14 में 1 घटाए तो 13 में घटाएंगे तो 12। अब आइए उसी तरह से बाबू,
एन को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले एन लिखो, एन में एक घटा होते एन माइनस वन, एन माइनस वन में एक घटाएंगे तो एन माइनस टू, एन माइनस टू में एक घटाएंगे तो एन माइनस थ्री डॉट डॉट। आइए बाबू, उसके बाद 2n को 1 के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो 2n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू डॉट डॉट, 1 के घटते हुए क्रम में आप लिखना सीख गए हुए। तो आइए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताते हैं और उस फॉर्मूला से कंसेप्ट को समझाते हैं। चलिए, इसको समझ में आ गया बाबू? चलिए, एनसीआर का फॉर्मूला, चलिए समझिए एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला लिखने का तरीका समझिए। देखिए तो ऊपर क्या है एन है और नीचे क्या है आर है। अब समझो पहले बात, इसकी फॉर्मूला समझो। ऊपर वाला जितना रहे तो ऊपर कितना एन है, तो ऊपर को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है। माने सी के ऊपर जितना संख्या रहे, 10 रहे, 20 रहे, 5 रहे, 100 रहे, 100 रहे, ऊपर वाले संख्या को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है। अब सवाल उठता है कि एक के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो कितने बार लिखेंगे? तो नीचे वाला संख्या जितना रहे उतना ही बार ऊपर वाले को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है। यानी ऊपर कितना है एन है, तो एन को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है कितने बार? आर बार। कोई दिक्कत है? अगर ऐसे रहता 10 सी थ्री, ऊपर कितना है 10 है, 10 को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है के बार? 3 बार। अगर लिखा रहेगा 20 सी 4, यानी ऊपर कितने 20, 20 को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है कितने बार? 4 बार। अगर लिखा 15 सी 0, यानी 15 को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है कितने बार? 0 बार। कोई दिक्कत है? तो आइए मेरे भाई, विद्यार्थी जी, एक एन को एक के घटते हुए क्रम में, तो चलिए अभी सिखा है, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, सब बीच में इंटू माने गुना होना चाहिए, डॉट 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 कितने बार? आर बार, यानी कि आर बार। चलिए बट्टा नीचे का फैक्टोरियल, माने ऊपर वाला को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है नीचे के बराबर, बट्टा नीचे का फैक्टोरियल। तो नीचे कितना है बाबू? आर, यानी लिखेंगे आर का फैक्टोरियल। चलिए सिमिलरली समझ रहे, बात को समझ में आया? ऊपर वाला कितना एन है, तो एन को एक के घटते हुए क्रम में आर बार लिखेंगे, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट डॉट कितने बार? आर बार। अब इसमें भाग देंगे नीचे वाले संख्या के फैक्टोरियल से, तो नीचे वाला कितना आर, तो आर का फैक्टोरियल लिख दिए। चलिए सिमिलरली एग्जाम्पल देखा था, चलिए 10 सी 2 हल करने का तरीका। चलो ऊपर कितना 10, 10 को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है के बार? 2 बार। तो चलिए बाबू 10 गुना, बताओ बाबू 10 में घटाएंगे 9, बढ़िया से समझो, ऊपर वाला को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है, तो ऊपर कितना 10, 10 को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है के बार? 2 बार। तो वो 10 गुना 9 नहीं, बट्टा नीचे का फैक्टोरियल।
चलिए आप समझाते हैं। बीस सी फोर बता बाबू, 20 को एक के घटते हुए क्रम में क्या बार लिखेंगे? चार बार। तो क्या हो गया? 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 हो लाई 1 2 3 4। अब एक में भाग देंगे नीचे वाले फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल 4। कोई दिक्कत? और समझाते हैं बाबू। विद्यार्थी जी 5c3 यानी ऊपर कितना है? 5 है। 5 को एक के घटते हुए क्रम में लिखना है कितने बार? 3 बार। क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 एक के घटते क्रम है 1 2 3 बट्टा नीचे का फैक्टोरियल। समझिए इसको। और आगे देखते हैं दोस्त। देखो दोस्त चौथा 3c4। अब बताओ ऊपर कितना है? 10 है। 10 को एक के घटते हुए क्रम में 4 बार, तो 10 को एक के घटते हुए क्रम में 4 बार लिखना है, तो 10, 9, 8, 7 सबके बीच में गुना होना चाहिए, तो 10 × 9 × 8 × 7 नीचे का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल। अब चलिए इसको हल भी कर सकते हैं, 10 × 9 × 8 × अब बताओ कल के क्लास में बताए थे फैक्टोरियल 4 का मान होता, फैक्टोरियल 4 का मान 24 काटिए, 8 × 24 ई काट दे, 3 × 3 = 9 बच गया 10, 7 में 3 से गुना करो 21 गुना करेंगे 210 हो गया। एक और एग्जांपल देखें भगवान। चलिए बाबू विद्यार्थी जी आगे 20c2 माने 20 को एक के घटते हुए क्रम में 2 बार लिखना है, 20 × 19 बटा नीचे का फैक्टोरियल। चलो बाबू 20 × 19 फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, काट दो बाबू 10, 190 दिस इज आंसर। यानी कॉम्बिनेशन को हल करना सीख रहा है, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी का मैच बनाएंगे तो वहां पर इस तरह से हम हल करेंगे। अब आइए चलिए इसको देखिए। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू NCR का फॉर्मूला। अब NCR का दूसरा फॉर्मूला देखिए। अब इसको मतलब कहने का मतलब कि कॉम्बिनेशन को अब दो तरह से हल कर सकते हैं, आप सक्तम से जो आपको हल्का बुझाए उससे हल कर सकते हैं। आइए NCR का दूसरा फॉर्मूला देखें। NCR बराबर, सुनिए मेरे भाई, ऊपर C के ऊपर कौन है? N, नीचे R। फॉर्मूला समझो, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल गुने दोनों का अंतर। देखिए दूसरी फॉर्मूला समझो, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल गुना दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। तो ऊपर n है तो n का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल गुना, गुना मतलब इंटू कर दीजिए, इंटू दोनों का अंतर माने n माइनस r का फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद हुआ?
ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल इनटू दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल इनटू दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। आइए बाबू, कोई दिक्कत? अब इसी पर एग्जाम्पल चलते हैं। टेन सी टू, चलो ऊपर में 10 है नीचे में 2 है, तो चलो ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर, तो 10 में 2 घटाएंगे 8 हो गए बाबू। अब इसको हल कर सकते हैं, बोल बाबू। कल समझाए थे अगर 10 निकालेंगे तो अंदर में 9 निकालेंगे तो 8 मिल जाएगा, काट देंगे तो 10 निकला 9 निकला तो फैक्टोरियल के अंदर 8 रहेगा, बटा फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, इसको काट दो 5 से 9 5 45। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए इसको बढ़िया से। वाह बाबू विद्यार्थी जी, बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल 50C3, चलो 50 को घटते हुए क्रम में के बार 3 बार 50 49 48 बट ओ दूसरा फॉर्मूला है जी। चलो ऊपर का हो तो पहला फॉर्मूला का दाग करो, दोनों में से मैंने कि कॉम्बिनेशन को हल करने का दो तरीका है। आप प्रोबेबिलिटी का मत बनाते समय दोनों में कोई भी कंसेप्ट को लागू कर सकते हैं। आइए ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल दोनों का अंतर, तब 50 में 3 घटेगा 47 बोलो। अब आइए 50 बाहर निकाल दो 49 बाहर निकाल दो 48 तो चिन्ह के अंदर आएगा 47 बट्टा फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 47 से कट गया, काट दो इसको 8 6 48 50 गुने 49 गुने 8। आप इसको हल अपना कर लीजिएगा, बताओ कॉम्बिनेशन को हल करना सीखे। अब आई इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। चलिए देखिए इसको बढ़िया से। वाह बाबू, चलिए देखो अब आइए NC0 का फॉर्मूला। NC0 का मतलब ऊपर वस्तु कितना दे ले, इसका NC0 का मतलब हुआ कि दिए गए वस्तुओं में से अगर एक भी वस्तु, जीरो का मतलब कि एको नहीं, हम 0 रुपया लिए माने एको रुपया नहीं लिए, तो बता NC0 का मतलब हो गया कि दिए गए वस्तुओं में से 0 वस्तु का चुनाव करने का तरीका। फिर समझो NC0 का मतलब हुआ N वस्तुओं में से 0 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका। तो आइए NC0 का मान निकालते हैं, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल
दोनों का अंतर एन माइनस जीरो। अब बताओ बाबू विद्यार्थी जी, फैक्टोरियल एन, जीरो का फैक्टोरियल याद किया है, फैक्टोरियल जीरो का मान, फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो, सॉरी गलत बात है मेरे भाई, हमसे गलती हो गया दोस्त, सॉरी मेरे भाई, हमने कल के क्लास में याद नहीं था कि फैक्टोरियल जीरो का मान, सॉरी मेरे भाई, एक बात समझो, हम गलती बताएं, अगर आप चाहेंगे तो हम उसको प्रूफ करके बता देंगे कि फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो नहीं होता, हमको दिमाग में नहीं था, फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो नहीं होता है, फैक्टोरियल जीरो का मान, फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो नहीं होता है, फैक्टोरियल जीरो का मान वन होता है, समझे, गलत हो गया, इसको हम आपको चाहेंगे तो प्रूफ करके दिखा देंगे कि फैक्टोरियल जीरो का मान वन कैसे होता है, ये बात याद रखिएगा, फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो ना हो करके फैक्टोरियल जीरो का मान वन होता है, यानी फैक्टोरियल जीरो हो या फैक्टोरियल वन हो, दोनों का मान वन होता है, याद हो गया बाबू, फैक्टोरियल जीरो हो या फैक्टोरियल वन हो, दोनों का मान वन होता है, याद रखिएगा, फैक्टोरियल जीरो का मान वन ही होता है। चलिए इसको हल करते हैं, सॉरी दोस्त मेरे बार बार बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में थोड़ा सा नहीं था, चलिए फैक्टोरियल जीरो का मान जीरो नहीं होता है वन होता है, चलिए देखिए, आइए फैक्टोरियल जीरो का मान वन, एन में जीरो घटाएंगे हो गया, ई से ही काट दे, वन बटा वन बराबर वन, यानी एन सी जीरो का मान वन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर में जितना भी वस्तु रहे अगर उसमें जीरो का चुनाव हो तो उसका मान वन होता है ना बाबू, एन सी जीरो का मतलब कि एन वस्तुओं में से जीरो वस्तु का चुनाव करने का तरीका कितना होगा, वन होगा, कंसेप्ट क्या होगा, दिए गए वस्तुओं में से अगर जीरो वस्तु का चुनाव होता है तो चुनाव करने का तरीका कितना होगा, वन होगा, याद हुआ, दिए गए वस्तुओं में से जीरो वस्तु का चुनाव करने का तरीका वन होता है, यानी ऊपर जितना रहे, इसको बढ़िया से लिखते हैं दोस्त, एन सी जीरो बराबर वन, इसका अर्थ हुआ कि ऊपर जितना संख्या रहे, सी के ऊपर जितना रहे अगर ओकरा में से जीरो का चुनाव हो तो उसका मान वन होगा, इसी तरह से टेन सी जीरो बराबर वन, बी सी जीरो बराबर वन, यानी अगर उसमें जीरो वस्तु का चुनाव हो रहा है तो हर हाल में उसका मान एक होगा, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं मेरे भाई, हम पूछेंगे एन सी जीरो का मान, सिमिलरली बाबू, सिमिलरली इसी प्रकार बोलो टेन सी जीरो, जीरो का चुनाव हो रहा था आंख मुन करके वन, ऊपर जितना रहे अगर उसमें से जीरो का चुनाव हो रहा था मान हमेशा वन होगा, आगे बी सी जीरो बराबर वन, चलो एक्स सी जीरो बराबर वन, बाई सी जीरो बराबर वन, यानी यहां पर कंसेप्ट हुआ कि दिए गए वस्तुओं में से जीरो वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है, याद हो गया बाबू, दिए गए वस्तुओं में से जीरो, जीरो का मतलब एक को नहीं, बार बार बोल रहे हैं जीरो का मतलब एक को नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिए गए वस्तुओं में से जीरो वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका वन होता है, इस सेंटेंस को दूसरे रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि दिए गए वस्तुओं में से एक भी वस्तु चुनाव ना करने का तरीका कितना होता है, एक भी नहीं का मतलब होता है जीरो, है ना यार बाबू, तो बोला जाए एक्स सी जीरो बराबर वन, बाई सी जीरो बराबर वन, अगर नीचे में हमेशा जीरो है तो उसका मान हमेशा वन होगा, फॉर्मूला याद हुआ एन सी जीरो बराबर वन, तो भाषा में क्या लिखेंगे कि दिए गए वस्तुओं में से एक भी वस्तु नहीं चुनाव करने का तरीका हमेशा क्या होता है, वन होता है, कोई दिक्कत है, आइए बाबू इसको देखिए,
हैं दोस्त। कंसेप्ट देखो, दिए गए वस्तुओं में से, दिए गए वस्तुओं में से जीरो वस्तुओं का, जीरो वस्तुओं का चुनाव करने का, चुनाव करने का तरीका हमेशा, हमेशा पन होता है। इसी बात को दूसरे भाषा में लिखेंगे अथवा दिए गए, दिए गए वस्तुओं, दिए गए वस्तुओं में से एक भी नहीं, जीरो को हम लोग भाषा में कहेंगे एक भी नहीं, एक भी नहीं वस्तुओं का, एक भी नहीं वस्तुओं का चुनाव, चुनाव करने का तरीका हमेशा बन होता है। याद हुआ? अगर कोई बोले कि 20 वस्तुओं में से एक भी नहीं वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका कितना होता है, तो वन होता है। अगर एक भी नहीं आया यानी जीरो, एक भी नहीं का मतलब जीरो, जीरो वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका या एक भी नहीं वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका, तो वो हमेशा वन होगा। अगर कोई बोलेगा 100 वस्तुओं में से एक भी नहीं वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका कितना होता है, तो आंसर लिखिएगा वन। अगर कोई बोल दे कि 1,00,000 वस्तुओं में से 0 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका कितना होता है, तो वन होता है। 10 आम में से एक भी आम नहीं चुनाव करने का तरीका कितना होता है, तो वन होता है। अगर 0 या एक भी नहीं का चुनाव होगा तो हमेशा वन होगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अर्थात चलिए, कोई दिक्कत मेरे भाई इस पर? अर्थात बोलिएगा, अगर n वस्तुओं में से 0 का चुनाव किए थे, आंसर कितना हो गया? जहां पर 0 का चुनाव हो गया वन। प्रोबेबिलिटी का मैथ बनाएंगे, हम पूछेंगे कि 10 वस्तुओं में से 0 का चुनाव हो रहा तो कितना बैठाइएगा? वन। चलिए देखिए, इसी तरह से बोलो, अगर 20 में से 0 का चुनाव हो तो वन है ना बाबू? और बोलिए, अगर 4 वस्तु में से 0 का चुनाव हो तो वन, अगर 5 में 0 का चुनाव हो तो वन। याद हुआ? अब जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, 2C0 बराबर 1, 4C0 बराबर 1, 10C0 बराबर 1, XC0 बराबर 1, YC0 बराबर 1। हम उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आपको दिमाग में अट गया होगा कि अगर 0 वस्तु का चुनाव हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? इसको देखिए, अब वो आगे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जाए।
एन सी एन ऊपर कितना है एन, अगर उतना ही का चुनाव हो मैंने 10 में 10 का चुनाव, 20 में 20 का चुनाव, 100 में 100 का चुनाव, 1 में 1 का चुनाव, समझ में आ रहा है? देखो एन सी एन ऊपर जितना वस्तु है उतना ही वस्तु को चुनाव किया गया है। तो देखिए दिए गए वस्तुओं में से सभी वस्तुओं का चुनाव, जैसे 10 गो आम है और 10 चुन लिए तो चुनाव करने का तरीका कितना होगा, जैसे 20 गो आम है और 20 आम का चुनाव करने का तरीका कितना होगा, जैसे 100 लड़का है 100 लड़का का चुनाव करने का तरीका कितना होगा। इसका मतलब एन सी एन का मतलब ये हुआ कि जितना रहे उतना ही का चुनाव करने का तरीका कितना होगा, जैसे 20 आम है तो 20 आम का चुनाव करने का तरीका क्या होगा, 10 बैल है 10 बैल का चुनाव करने का तरीका कितना होगा, 100 लड़का है 100 लड़का का चुनाव करने का तरीका कितना होगा, 50 लेम्बू है 50 लेम्बू का चुनाव करने का तरीका कितना होगा। यानी एनसीएन का मतलब कि जितना वस्तु रहे सभी वस्तु का चुनाव करने का तरीका। तो आइए हम उसका तरीका बताते हैं। एनसीएन का मतलब बताओ बाबू, क्या फॉर्मूला बताए, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल गुणे दोनों का अंतर का फैक्टोरियल। ऊपर कितना एन, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल दोनों का अंतर एन माइनस एन। चलो बाबू हल करते हैं, एन में एन घटेगा जैसे 10 में 10 घटेगा तो जीरो, तो एन में एन घटेगा तो जीरो, इससे ही काट दीजिए फैक्टोरियल जीरो का मान वन, हल किए कितना वन, एन सी एन का मतलब वन, यानी जितना वस्तु दिया रहे उतना ही वस्तु का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है। यानी दिए गए वस्तुओं में से सभी वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है। यानी ठेठ भाषा में अगर सी के नीचे ऊपर, इस बीच में सी है ना बाबू, अगर सी के नीचे ऊपर संख्या बराबर है, 20C20, 10C10, 1C1, 2C2, 4C4, तो उसका मान हमेशा वन होता है। भाषा में कैसे याद रखिएगा, दिए गए वस्तुओं में से सभी वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है। याद हो गया बाबू, दिए गए वस्तुओं में से सभी वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है। आइए कंसेप्ट लिखते हैं। दिए गए वस्तुओं में से सभी वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है। एग्जाम्पल देखिए, 4C4, चार वस्तु, चार वस्तु का चुनाव हो गया तो मान कितना होगा वन, 5C5 बराबर वन, 10C10 बराबर वन, 20C20 बराबर वन। दो चीज आपको याद हो गया, अगर दिए गए वस्तुओं में से जीरो वस्तु का चुनाव हो या उतना ही वस्तु का चुनाव हो तो उसका मान हमेशा वन होगा। ऊपर जितना रहे, देख बाबू दिए गए वस्तुओं में से चाहे तो जीरो का चुनाव हो या उतना ही का चुनाव, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 10 वस्तु है, अगर 10 में हम 0 का चुनाव करें या 10 में 10 का चुनाव करें तो मान हमेशा कितना होगा
उत्पन्न होगा। दूसरी दो फॉर्मूला याद होगा, दिए गए वस्तुओं में से जीरो या सभी वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका हमेशा वन होता है। और समझिए, मान लिए कि 20 वस्तु है, अगर हम 20 में से जीरो का या 20 में 20 का चुनाव करते हैं तो मान कितना होगा? वन होगा। अगर मान लिया जाए कि एक्स है, अगर एक्स में हम जीरो का चुनाव करें या एक्स ही का चुनाव करें तो मान होगा। समझ में आया? पहला कंसेप्ट याद हुआ, दिए गए वस्तुओं में से अगर जीरो का चुनाव हो या उतना ही का चुनाव हो तो मान कितना होगा? वन होगा। जैसे बोलिए मेरे भाई, एन सी जीरो, कितना का चुनाव रहा? जीरो का, तो मान कितना हो गया? वन। एन सी एन मैंने जितना है उतना ही का चुनाव, अगर जीरो का चुनाव हो या नीचे ऊपर बराबर हो तो मान कितना होना चाहिए? वन। याद होना चाहिए, फोर सी जीरो बराबर वन, फोर सी फोर बराबर वन, फाइव सी जीरो बराबर वन, फाइव सी फाइव बराबर वन, टेन सी जीरो बराबर वन, टेन सी टेन बराबर वन, बीस सी जीरो बराबर वन, बीस सी जीरो, बीस सी बीस बराबर वन। यानी जीरो का चुनाव हो या ऊपर के बराबर का चुनाव हो तो मान होगा वन। देखिए इसको, चलिए अगला कंसेप्ट देखा जाए। एन सी वन माने जितना वस्तु देल रहे, अगर उसमें एक वस्तु का चुनाव हो, जैसे 10 आम देल है, 10 आम में से एक आम का चुनाव करने का तरीका क्या होगा? जैसे 100 लड़का है, 100 लड़का में एक लड़का का चुनाव करने का तरीका कितना होगा? जैसे 50 लिंबू है, 50 लिंबू में से हमको एक लिंबू का चुनाव करने का, माने जितने वस्तु है उसमें से चुनाव करना है वन। अब आइए, तो एन सी वन माने एक वस्तुओं में से एक वस्तु का चुनाव करने का तरीका क्या होगा? तो फॉर्मूला चले जाए, सी का मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर। चलो हल करते हैं। एन फैक्टोरियल चिन्ह के साथ एन है, तो एन को अगर हम बाहर कर ले तो अंदर में एक घटा के लिखे, फैक्टोरियल वन का मान वन, इसे ही कट गया, एन बटा एन बराबर एन, क्या हो गया? एन सी वन बराबर एन। क्या देखे, अगर यहां वस्तु कितना दे रहा है? एन वस्तु, एन वस्तु में से अगर एक वस्तु का चुनाव हो तो उसका मान वस्तु के बराबर। जैसे 10 वस्तु में से एक वस्तु का चुनाव करने का तरीका, तो कितना में चुने? 10 में, तो ही 10 आपका आंसर होगा। समझ में आया? एन सी एन, एन सी वन बराबर एन, यानी अगर वन वस्तु का चुनाव हो तो उसका मान ऊपर के बराबर होगा। जैसे 10 आम में से एक आम का चुनाव करने का तरीका तो 10 होगा, 20 लेम्बू में से कोई एक लेम्बू का चुनाव करने का तरीका 20 होगा, 50 लड़का में से कोई एक लड़का का चुनाव करने का तरीका तो 50 होगा, 10 पेन में से कोई एक पेन का चुनाव करने का तरीका तो 10 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर वन का चुनाव हो तो ऊपर वाले संख्या के बराबर। सिमिलरली बोला जाए, सिमिलरली बोलो, टेन सी वन कितना का चुनाव हो? वन का, किसका मान ऊपर के बराबर माने 10 के बराबर होगा। बी सी वन यानी कितना का मान? 20 के बराबर होगा। एक सी वन वन का चुनाव तो ऊपर के बराबर होगा। एक्स प्लस बाई सी वन यानी इतना में वन का चुनाव तो मान होगा एक्स प्लस बाई, चले 40 सी वन कितना होगा?
चालीस हो गए। यानी क्या समझे मैं कि दिए गए वस्तुओं में से कोई एक वस्तु का चुनाव करने का तरीका वस्तु के संख्या के बराबर होता है। दिए गए वस्तुओं में से कोई एक वस्तु का चुनाव करने का तरीका कुल वस्तु की संख्या के बराबर होता है। जैसे में 10 वस्तु है, अगर 10 वस्तु में से एक वस्तु को चुनाव करेंगे तो उसका मान 10 ही के बराबर होता है। जैसे 20 वस्तु है, 20 वस्तु में से कोई एक वस्तु का चुनाव करेंगे तो उसका मान 20 के ही बराबर होता है। जैसे 50 लड़का है, 50 लड़का में से कोई एक लड़का का चुनाव करेंगे तो 50 के ही बराबर होगा। आइए मेरे भाई, अगर सी के नीचे 1 रहे, एकदम ठेठ भाषा में, अगर सी के नीचे 1 रहे तो उसका मान ऊपर के बराबर होगा। जैसे 20 सी 1 बराबर 20, 40 सी 1 बराबर 40, 50 सी 1 बराबर 50, 100 सी 1 बराबर 100, 300 सी 1 बराबर 1। यानी क्या देखे कंसेप्ट में कि दिए गए वस्तुओं में से कोई एक वस्तु का चुनाव करने का तरीका कुल वस्तु के संख्या के बराबर होता है। इसको देखिए, तो आइए भाषा उसको लिखते हैं बउआ। देखो भाई, कंसेप्ट लिख दिया, दिए गए वस्तुओं में से कोई एक वस्तु चुनाव करने का तरीका कुल वस्तुओं की संख्या के बराबर होता है। जैसे 10 में एक वस्तु का चुनाव किए तो इसका मान 10 के बराबर हो गया। 20 वस्तु में से एक वस्तु का चुनाव किए तो इसका मान 20 के बराबर हो गया। x वस्तु में एक का चुनाव तो इसका मान x के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आइए चौथा फॉर्मूला देखते हैं दोस्त। दोस्त अब आइए चौथा देखिए, एन सी एन माइनस 1 मतलब बता ऊपर वस्तु कितना एन है उसमें चुनाव हुआ एन माइनस 1, मानो ऊपर जितना रहे उससे अगर एक कम वस्तु का चुनाव हो, जैसे 4 है तो 4 से कम 3 होता है, तो 4 वस्तु में अगर 3 वस्तु का चुनाव हो तो कितना होगा? सुन बढ़िया से, जितना वस्तु देल रहे अगर उनमें से एक कम वस्तु का चुनाव हो, जैसे 10 वस्तु है, 10 में से एक कम तो 9। बढ़िया से समझो, जितना वस्तु देल रहे अगर उस वस्तुओं में से एक कम वस्तुओं का चुनाव किया जाए तो तरीका कितना होगा? जैसे 20 है तो 20 से कम 19, यानी 20 वस्तुओं में से 19 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका क्या होगा? जैसे 50 है तो 50 से कम कितना होगा? 49, यानी 50 वस्तु में से 49 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका क्या होगा? जैसे 100 लड़का है, 100 लड़का में तो 100 में से एक कम कितना होगा? 100 से एक कम कितना? 99, यानी 99 वस्तुओं में से 99 वस्तुओं का चुनाव करने का तरीका कितना होगा? तो आइए चलिए बाबू क्या लिखे, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर एन घटाओ एन माइनस 1। चलिए क्या होगा, फैक्टोरियल एन बोलो बाबू एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कट गया, फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल। अब आइए एन को बाहर निकाले तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल बट्टा बोलो फैक्टोरियल 1 का मान 1 कट गया,
कितना होगा एन, यानी एन सी एन बराबर एन आया। क्या समझ में आया बाबू? कि अगर जितना वस्तु देल है अगर उतना में से एक कम वस्तु का चुनाव हो तो कुल वस्तु की संख्या के बराबर। बढ़िया से समझे बाबू, जितना वस्तु देल है उन वस्तुओं में से अगर एक कम वस्तु का चुनाव हो तो कुल वस्तु की संख्या के बराबर। जैसे 10 है तो 10 से कम 9, यानी 10 वस्तुओं में से 9 वस्तुओं को चुनाव करने का तरीका 10 होगा, है ना मेरे भाई। जैसे देखिए ऊपर कितना था, एन था, चुनाव एन माइनस वन, मतलब ऊपर जितना रहे ओकरा से अगर एक कम का चुनाव हो तो ऊपर के बराबर होगा। यानी ऊपर जितना रहे अगर ओकरा से एक कम नीचे रहे तो उसका मान ऊपर के बराबर। जैसे 4 सी, बढ़िया से देख मेरे भाई इसको, देख एग्जाम्पल, देख एग्जाम्पल 4C3। देख तो बाबू नीचे कितना 3, 3 ऊपर से कम है, एकर मान 4 के बराबर। 10C9, चुनाव कितना हो रहा है 9, 10 से कम है तो मान कितना हो गया 10। 20C19, देख तो नीचे कितना 19, 20 से कम है तो मान हो गया 20। कोई दिक्कत? दो बात याद रखना है, अगर जीरो या सभी वस्तु का चुनाव हो, जीरो या सभी वस्तु का चुनाव, दो बातें ठेठ भाषा में याद कर, जीरो या ऊपर के बराबर का चुनाव हो, चाहे तो जीरो का चुनाव हो या ऊपर के बराबर का चुनाव हो तो मान वन होगा, है ना बाबा। पहला दो एक कंसेप्ट याद करना है, जीरो का चुनाव हो या ऊपर के बराबर का चुनाव हो तो मान होगा वन। दूसरा याद रखना है कि चाहे तो एक वस्तु का चुनाव हो या एक कम वस्तु का चुनाव हो तो मान होगा ऊपर के बराबर। दो ये बात याद करना कंसेप्ट में, चाहे तो जीरो वस्तु का चुनाव या ऊपर के बराबर का चुनाव हो तो मान होगा वन, चाहे एक वस्तु का चुनाव हो या एक कम वस्तु का चुनाव हो तो मान होगा ऊपर के बराबर। कोई दिक्कत है बाबू? कोई प्रॉब्लम? ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है मेरे भाई, अगर जीरो का चुनाव हो या उतना ही वस्तु का चुनाव हो तब उसका मान एक होगा, अगर एक कम एक वस्तु का चुनाव हो या एक कम वस्तु का चुनाव हो तब ऊपर के बराबर। कोई दिक्कत है? चलिए इसको देख लीजिए, भाषा अपने लिख लीजिएगा, भाषा की क्या जरूरत है, छोड़िए सबको। वाह दोस्त, चलिए आते हैं। सब मेरी मीन्स होता सारांश, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एनसीआर, एनसीआर का दो फॉर्मूला, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर, अथवा दूसरा फॉर्मूला एनसीआर, ऊपर को एक के घटते हुए क्रम एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट डॉट आर बार बटा नीचे का फैक्टोरियल। चलिए दूसरा फॉर्मूला एन सी जीरो बराबर वन, तीसरा फॉर्मूला एन सी एन बराबर वन, चौथा फॉर्मूला एन सी वन बराबर एन, एन सी एन माइनस वन बराबर एन। इतना ही याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी का मैथ बनाते समय यूज होगा। आप इसको वीडियो को अच्छा से देखिएगा, इसको हल करने का तरीका दो ये बात याद रखना है, अगर जीरो, देख मेरे भाई
अगर एन में जीरो या एन में एन माने जीरो या नीचे वो देखिए तो कितना कितना वस्तु है एन वस्तु है तो दो बात यार अगर जीरो का चुनाव या उतना ही का चुनाव तो मान वन होगा अगर एक का चुनाव हो या एक कम का चुनाव हो तो मान वस्तु के बराबर होगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्त, कल से हम आपको प्रॉब्लम बनाएंगे दोस्त।